हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के शहीद नायाब सूबेदार शिव कुमार पाल के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक ऐसे नायाब सूबेदार के बारे में बताऊंगा जिसका उदाहरण किसी किसी समाज में मिलता है, और ये भारत के गिने चुने उन लोगों में है जिनका पूरा परिवार ही भारतीय सेना की या और भारत माता की रक्षा में लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं नायाब सूबेदार शिव कुमार पाल। तो फ्रेंड्स, इनके बारे में जान लेते हैं। नायाब सूबेदार शिव कुमार पाल ये आर्मी मैन थे। इनके पिताजी कैप्टन टीआर पाल थे और माता सीता लक्ष्मी पाल, और इनकी वाइफ जो हैं मधुपाल, जो कि नेशनल वुमेन कमीशन दिल्ली में पोस्टेड हैं, और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और इनका ग्राम लोबार है जो कि तहसील पट्टी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इनको जो आर्मी में रैंक मिली हुई थी वो थी नायाब सूबेदार, और ये पॉइनर रेजिमेंट या 6 महार रेजिमेंट में कार्यस्थ थे। और उन्होंने 1988 में आर्मी ज्वाइन किया था, और ये दक्षिण सूडान जो कि एक अफ्रीका का एक देश है वहाँ पर ये शहीद हो गए थे, और ये 10 अप्रैल 2013 में शहीद हो गए थे। इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। सूडान में शहीद हुए नायाब सूबेदार शिव कुमार पाल मूल रूप से प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के थाना कन्हई के लोबर गांव के रहने वाले थे। वह 1988 में पॉइनर रेजिमेंट में सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। इस समय उनकी तैनाती मध्य प्रदेश के सागर स्थित 6 महार रेजिमेंट में थी। अक्टूबर 2012 में शिव कुमार पाल UNO की शांति सेना के लिए चुने गए थे। शांति सेना में शामिल होने से पहले वह कश्मीर में तैनात थे। शिव कुमार पाल की पत्नी मधुपाल दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग में तैनात हैं। मधुपाल के साथ उनके बेटे शुभांशु और बेटी अंकिता नई दिल्ली में रहते हैं। शहीद शिव कुमार पाल के बेटे बड़े भाई अशोक कुमार पाल लखनऊ में रेलवे में SSC के पद पर तैनात हैं। शिव कुमार पाल के बड़े भाई प्रदीप कुमार पाल सेना मेडिकल कोर से सेवानिवृत्त हैं। छोटे भाई देवेंद्र कुमार पाल फतेहगढ़ स्थित रक्षा लेखा कार्यालय में सहायक ऑडिट अधिकारी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति अभियान में हुए शहीद। दक्षिण सूडान में विद्रोहियों पर अंकुश लगाने के लिए भारत ने भी शांति सेना भेजी थी। वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ शांति अभियान चल रहा है। विद्रोहियों ने सैन्य कर्मियों के 32 सदस्य काफिले पर हमला बोल दिया था। इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल सहित 5 सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे। शांति सेना में शामिल लांस नायक सूबेदार शिव कुमार पाल भी विद्रोहियों की गोली का निशाना बन गए थे। जंगल वारफेयर में थे दक्ष। शहीद नायब सूबेदार शिव कुमार पाल ने माउंटिंग कोर्स में ए ग्रेड हासिल किया था। वह जंगल वारफेयर परीक्षण में भी अव्वल आए थे। गन इंस्ट्रक्टर का भी जिम्मा उन्होंने निभाया था। सूडान जाने से पहले UN शांति सेना में शामिल होने का विशेष परीक्षण भी हासिल किया था। इनका परिवार जांबाजों का था, तो जांबाजों के परिवार के नाम से भी जाने जाते थे। मातृभूमि की रक्षा करने का जज्बा शहीद नायाब सूबेदार शिव कुमार पाल को अपने परिवार से ही हासिल हुआ था। शिव कुमार पाल के पिता सेवानिवृत्त कैप्टन टीआर पाल सन 1971 की लड़ाई में हिस्सा ले चुके हैं। इस युद्ध में उन्हें सेवा मेडल भी मिला। कैप्टन टीआर पाल शांति सेना में रह चुके हैं। बड़े भाई प्रदीप कुमार पाल कश्मीर में बाढ़ में ग्रस्त लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे थे कि अचानक एक पत्थर उनके पैर पर गिर पड़ा जिससे वे विकलांग हो गए। इनके जो बड़े भाई थे प्रदीप कुमार पाल, वो भी भारतीय सेना में थे। छोटा भाई देवेंद्र कुमार पाल फतेहगढ़ स्थित रक्षा लेखा कार्यालय में सहायक ऑडिट अधिकारी है। तो देखिए दोस्तों, इनका पूरा परिवार जो था वो पूरा का पूरा परिवार ही इनका क्या है, जामाजों का परिवार था। इनके बड़े भाई प्रदीप कुमार पाल भी सेना में थे। इनके जो भाई थे अशोक कुमार पाल बड़े भाई, वो भी GRPF में थे, और छोटा भाई देवेंद्र पाल जो है वो भी रक्षा कार्यालय में सहायक ऑडिट अधिकारी है। पिताजी इनके सेवानिवृत्त कैप्टन TR पाल थे जिन्होंने 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया। तो आप देखिए कि इनकी जो पूरा परिवार है वो ही सेना में था,
और अपने आप पूरा जीवन भारतीय माता के कदमों में रख दिया और भारत माता के लिए लड़े। ऐसे उदाहरण किसी किसी समाज में और गिने चुने लोगों में देखे जाते हैं। तो अपने बच्चों को आर्मी में भेजने के लिए जो लोग गडरिया रेजिमेंट का या सपना देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को इस तरीके के जाबाजों की कहानियाँ बताएं, सुनाएं और अपने बच्चों को प्रेरित करें। उन्हें क्लास वन से लेकर ही आर्मी स्कूल में भेजें, जहाँ उनको विशेष प्रकार का परीक्षण मिलेगा और वो भारतीय सेना में शामिल हो पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना कमेंट लिखें और वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को आप जितने भी समाज हैं सभी समाज में भेजें। धन्यवाद।